हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशो साइकी। आई एम प्रोफेसर इश्तियाक अहमद। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द थियोरी ऑफ सेल्फ ऑफ जॉर्ज हर्बर्ट मीड। जॉर्ज हर्बर्ट मीड्स थियोरी ऑफ सोशल सेल्फ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर स्टूडेंट्स ऑफ सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी। सो लिसन वेरी केयरफुली द कंप्लीट थियोरी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। First of all, we will define the self. Mead's central concept is the self, the part of our individual's personality. Self is composed of self-awareness and self-image. Mead's genius was in seeing the self as product of social experience. Mead कहते हैं कि जो self है, ये जो personal, individual personality का एक हिस्सा है, ये इसको सेल्फ अवेयरनेस भी कह सकते हैं, सेल्फ इमेज, इनसे ये बनता है। तो इस ये बनता कैसे? सोशल एक्सपीरियंस के ज़रिए। सोशल एक्सपीरियंस क्या है? बिल्कुल सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट जैसा C.H. कूले ने दिया था कि दूसरे लोगों की मौजूदगी में जब हम सोशल एक्सपीरियंस करते हैं, जब दूसरों को बोलते सुनते हैं, डिफरेंट सिम्बल्स, लैंग्वेज, तो हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं, इंट्रैक्शन करते हैं, तो फिर हमें हमारा एक्सपीरियंस जब होता है सोसाइटी के अंदर, तो फिर हम अपनी सेल्फ भी खुद क्रिएट करते हैं। सेल्फ जो है, बीड कहता है कि बाय बर्थ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो प्रेजेंट होती है किसी इंडिविजुअल में। ये बाद में जब बच्चा बड़ा होता है वक्त के साथ, तो वो अपनी सेल्फ खुद डिवेलप करता है। तो दिस इज ही सेड सेल्फ इज एज द प्रोडक्ट ऑफ सोशल एक्सपीरियंस। सेल्फ एज आई एंड बी, देर आर टू पार्ट्स ऑफ सेल्फ अकॉर्डिंग टू जॉर्ज हर्बर्ट मीड। आई एंड बी, आई इज द इनिशियल सेल्फ, बी इज द डिवेलप्ड सोशल सेल्फ। आई क्या है? जो मेरी सेल्फ है। बी क्या है? जो सोसाइटी ने डिवेलप की है। तो आई एंड बी, बी रिफ्लेक्ट्स द एटीट्यूड ऑफ द जनरलाइज अदर्स, आई रिस्पॉन्ड्स टू द एटीट्यूड ऑफ जनरलाइज अदर्स। आई जो है वो मेरा रिस्पॉन्स है, एंड बी जो है वो क्या है? मेरा एटीट्यूड है जो रिफ्लेक्ट करता है, उस रिस्पॉन्स को रिफ्लेक्ट करता है। बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ बी एंड द आई आर इसेंशियल टू द सेल्फ इन इट्स फुल एक्सप्रेशन। द इंडिविजुअल टेक्स द एटीट्यूड ऑफ द बी और द आई अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। बोथ द कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल आर नेसेसरी टू आइडेंटिटी, बोथ कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल। देखिए, एक मैं हूं, ये आई है, मेरी इनिशियल सेल्फ स्टार्टिंग से जब बच्चा पैदा होता है। एक वो कहते हैं बी है, बी सोशल जो सेल्फ है उसका वो हिस्सा है जो दूसरे डिवेल्प करते हैं। तो एक मेरी जो सेल्फ है वो आई है, जो दूसरों ने डिवेल्प की है वो बी है। तो आई एंड बी दो हिस्से होते हैं सेल्फ के, अकॉर्डिंग टू बीड। डिवेलपमेंट ऑफ सेल्फ अकॉर्डिंग टू बीड, द की टू डिवेलपिंग द सेल्फ इज लर्निंग टू टेक रोल ऑफ अदर्स। बिकॉज ऑफ देयर लिमिटेड सोशल एक्सपीरियंस, इन्फेंट्स कैन डू दिस ओनली थ्रू इमिटेशन। इन्फेंट्स वो कहते हैं सिर्फ कॉपी करते हैं सोशल एक्सपीरियंस को। थोड़ा सोशल एक्सपीरियंस होता है, घर में बच्चे होते हैं तो उनका इंटरेक्शन सिर्फ फैमिली से होता है, तो वो इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं अपने पेरेंट्स को, माँ को, बाप को। वो देखा ना, आप बच्चे कह रहे होते हैं ये मेरी डॉल है, ये मेरा बेबी है, मैं इसको सुला दूँ या इसको खाना खिला दूँ, क्योंकि बच्चे सिर्फ देखते ही अपनी माँ को है। वो जैसे उनके साथ बिहेवियर होता है, तो वो भी उस रोल को अडॉप्ट कर लेते हैं उस सोशल एक्सपीरियंस के ज़रिए। तो वो उनकी सेल्फ डिवेलपमेंट स्टार्ट है। तो बच्चे क्या करते हैं? सिर्फ देखने से, इमिटेट करने से, नकल करने से, कॉपी करने से वो सेल्फ डिवेलप करते हैं। सेकेंड पॉइंट, दे मिमिक बिहेवियर विदाउट अंडरस्टैंडिंग अंडरलाइंग इंटेंशंस एंड सो एट दिस पॉइंट दे हैव नो सेल्फ। अब वो सिर्फ कॉपी कर रहे हैं, उसकी इंटेंशंस को नहीं समझते। अब देखा ना, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बेबी इन्फेंट है, वो अपनी डॉल को ये समझता है कि ये मेरा बच्चा है, इसको मैं खाना खिला रहा हूँ, सुला रहा हूँ, जो उसने बिहेवियर अपनी माँ से कॉपी किया है। तो अब उसके पीछे उसकी इंटेंशन नहीं है, वो सिर्फ एज इट इज़ कॉपी कर रहा है उस बिहेवियर को, उन इंटेंशंस को नहीं अंडरस्टैंड कर रहा वो
कि बच्चा कैसे होता है, ये डॉल है, ये बेजुबान है, बेजार है, ये नहीं खाना खाती, ये नहीं सोएगी, उन इंटेंशन को नहीं, बस वो जस्ट कॉपी कर रहा है उस बिहेवियर को। एज चिल्ड्रन लर्न टू यूज लैंग्वेज एंड अदर सिम्बल्स, द सेल्फ इमर्ज इन द फॉर्म ऑफ प्ले। जब वो कहता है कि लैंग्वेज और अदर सिम्बल्स सीख लेते हैं बच्चे, तो फिर वो अपनी सेल्फ को है वो जो है वो इमर्ज होती है उनके अंदर, या उनमें नजर आना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज, अकॉर्डिंग टू मीड, द की टू डिवेलपिंग द सेल्फ इज लर्निंग टू टेक द रोल ऑफ अदर्स। बिकॉज ऑफ देयर लिमिटेड सोशल एक्सपीरियंस, इन्फेंट्स कैन डू दिस ओनली थ्रू इमिटेशन। अब उनका बिहेवियर थोड़ा होता है, ठीक है, तो उसमें वो क्या करते हैं कि जो है वो उसी चीज को कॉपी करते हैं। अब वो कहते हैं प्ले, प्ले की शक्ल में वो चीजों को लेते हैं। प्ले इन्वॉल्व एज्यूमिंग रोल्स मॉडल्ड ऑन सिग्निफिकेंट अदर्स। सिग्निफिकेंट अदर्स, ये उसका एक अहम पॉइंट है थ्योरी का। सिग्निफिकेंट अदर्स, सिग्निफिकेंट अदर्स क्या है? पीपल सच एज पेरेंट्स हु हैव स्पेशल इंपॉर्टेंस फॉर सोशलाइजेशन। प्ले इन्वॉल्व एज्यूमिंग रोल्स मॉडल्ड ऑन सिग्निफिकेंट अदर्स, दूसरे लोग जो उसके सामने मॉडल है उनके रोल को वो एज्यूम कर लेता है एक प्ले की शक्ल में। देखे ना, नीचे उसने लिखा है, प्ले बॉबी एंड डैडी इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी दैट हेल्प्स यंग चिल्ड्रन इमेजिन द वर्ल्ड फ्रॉम पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब क्या है कि बच्चे बॉबी एंड डैडी को देखते हैं तो उसी को प्ले की शक्ल में वो स्टार्ट करते हैं, इमेजिन करते हैं कि मैं, ये मेरी डॉल है, ये मैं इसका बाप बाप बन जाते हैं, खेलते हैं उसके साथ, तो ये एक प्ले की शक्ल में वो अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट करते हैं और सेल्फ कॉन्सेप्ट उनका बन जाता है कि माँ और बाप क्या करते हैं, बच्चे की हेल्प करते हैं, बच्चे को खाना खिलाते हैं, उसको सुलाते हैं, तो वो इस जो रोल है पेरेंट्स का वो एडॉप्ट कर लेते हैं ऑटोमेटिकली, कैसे, देख के, कॉपी करके। ग्रेजुअली चिल्ड्रन लर्न टू टेक द रोल्स ऑफ सेवरल अदर्स एट वंस। दिस स्किल लेट्स द मूव फ्रॉम सिंपल प्ले विद वन एंड अदर टू कॉम्प्लेक्स गेम्स इन्वॉल्विंग मैनी अदर्स। वो कहता है कि जब बच्चे घर से बाहर जाते हैं, फैमिली से बाहर, तो उनके सामने कई रोल्स आ जाते हैं एक वक्त में, दोस्तों के साथ उनका बिहेवियर, स्कूल के साथ, तो अब वो सिंपल प्ले से कॉम्प्लेक्स गेम बन गई, जहाँ पे बहुत से करेक्टर। अब घर में तो एक दो चार करेक्टर, तो बाहर सोसाइटी में कितने करेक्टर्स हैं, तो सिंपल प्ले से एक कॉम्प्लेक्स गेम बन गई है। अब उसको डिफरेंट रोल्स परफॉर्म करने पड़ते हैं सोसाइटी में, ठीक है ना, क्योंकि उसका बहुत से लोगों से इंटरेक्शन है। तो वो कहता है कि ये प्ले जो है सिंपल प्ले की ये कॉम्प्लेक्स गेम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्या करता है, बाय अबाउट एज 7 मोस्ट चिल्ड्रन हैव द सोशल एक्सपीरियंस नीडेड टू इंगेज इन टीम स्पोर्ट्स, बट देयर इज अ फाइनल स्टेज इन द डिवेलपमेंट ऑफ द सेल्फ। अगेन इन्वॉल्व टेकिंग रोल ऑफ स्पेसिफिक पीपल इन जस्ट वन सिचुएशन। एवरी डे लाइफ डिमांड्स दैट वी सी आर सेल्व इन टर्म्स ऑफ कल्चरल नॉर्म्स एज एनी मेंबर ऑफ आर सोसाइटी माइट। कि जब आप इंगेज कर लेते हैं आप अपने आप को बाहर लोगों के साथ, 7 साल की उम्र में बच्चे जब बाहर जाते हैं, सोशल एक्सपीरियंस करते हैं, डिफरेंट गेम्स में इन्वॉल्व होते हैं, स्कूल में इन्वॉल्व होते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं, बहुत से रोल्स अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं फिर वो, क्योंकि जो जिंदगी की ज़रूरत है ना कि आपने इंटरेक्शन करना है, लोगों से मिलना है, तो फिर वो क्या करते हैं, कल्चरल नॉर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं और हर सिचुएशन के मुताबिक ही बिहेव करते हैं। स्कूल में है तो एज अ स्टूडेंट बिहेव करेंगे, घर में है तो एज अ फैमिली मेम्बर बिहेव करेंगे, दोस्तों में है तो एज अ फ्रेंड बिहेव करेंगे, ठीक है ना। तो अब कितनी सिचुएशंस हैं उन्हीं के मुताबिक वो कल्चरल नॉर्म जो डिफाइंड है सोसाइटी ने कर दिए हैं उनको वो लर्न करके उसी तरह बिहेव कर रहा है। बीड यूज द टर्म जनरलाइज अदर्स टू रेफर टू वाइड स्प्रेड कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज वी यूज एज रेफरेंस इन इवेल्युएटिंग आवर सेल्स। वो कहता है कि जितने कल्चरल नॉर्म्स आपके इर्द गिर्द हैं जो के आपने रेफरेंस बनाए हैं इन एवेल्युएटिंग आवर सेल्फ, अपने आप को समझने के लिए जो कल्चरल नॉर्म्स वैल्यूज आप यूज करते हैं उनको वो जनरलाइज अदर्स का नाम देता है। कि जनरलाइज अदर्स
क्या है कि जो कल्चरल नॉर्म्स है जिनके दायराकार में रह के हम बिहेव करते हैं, तो अपनी सेल्फ को डेवलप करते हैं, सेल्फ को अंडरस्टैंड करते हैं अपने कल्चरल नॉर्म्स और वैल्यूज़ के मुताबिक, कि मैं जो है वो एक मुसलमान हूँ, ठीक है, मैं जनाब मेरा रिलीजन ये कहता है कि सफाई का ख्याल रखना है, या जो है वो झूठ नहीं बोलना है, या मेरी सोसाइटी कहती है कि जनाब नेशनल एंथम का एहतराम करना है, ये कल्चरल नॉर्म्स है और वैल्यूज़ है हमारी, तो उसके अंदर मैं क्या अपनी सेल्फ को अंडरस्टैंड करता हूँ, तो इसको वो नाम देता है जनरलाइज अदर्स का। एज लाइफ गोज ऑन द सेल्फ कंटिन्यूज टू चेंज अलॉन्ग विद आर सोशल एक्सपीरियंस। वो कहता है लाइफ आगे चलती है, सोशल एक्सपीरियंस होता है तो सेल्फ भी चेंज होती रहती है, बट नो मैटर हाउ मच द वर्ल्ड शेप्स अस, वी ऑलवेज रिमेन क्रिएटिव बीइंग्स एबल टू रिएक्ट टू द वर्ल्ड अराउंड अस। वो कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि वर्ल्ड किस शक्ल में है, जैसे जैसे इंसान देखता है चीज़ों को तो वो भी क्रिएटिव है ना, क्रिएटिव बीइंग है, तो वो उसी तरह बिहेव करता रहता है, वर्ल्ड को पूरी दुनिया को अंडरस्टैंड करता रहता है, समझता रहता है अपने इर्द गिर्द की दुनिया को। दस मीड कंक्लूडेड वी प्ले अ की रोल इन आर ओन सोशलाइजेशन। तो मीड कहता है कि हम अपने ही जो है वो बिहेवियर को सोशलाइज करने में खुद बहुत बड़ा एक अहम रोल अदा करते हैं। तो इस जो थ्योरी थी जॉर्ज मीड की, इसमें हमने बेसिक अहम चीज़ें जो है उसमें कि हाउ सेल्फ डिवेल्प्स, उसमें आई एंड बी जो दो पार्ट है सेल्फ के, उसके बाद सिग्निफिकेंट अदर्स एंड जनरलाइज्ड अदर्स। सिग्निफिकेंट अदर्स क्या है, वो लोग जिनको हम एज अ मॉडल ले रहे हैं जो हमारे इर्द गिर्द हैं। सेकंड जनरलाइज्ड अदर्स, वो नॉर्म्स एंड वैल्यूज जो सोसाइटी में हमने लर्न की है और उस कॉन्टेक्स्ट में हम अपने आप को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि मैं एक अच्छा मुसलमान दूसरे के इंट्रैक्शन के साथ, कि आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई एम वेरी गुड मुस्लिम, आई एम वेरी ऑनेस्ट, तो ये हमें कैसे पता चलता है दूसरों के इंटरेक्शन से, क्योंकि हम उनके एक प्ले की शक्ल में जो है वो स्टार्ट करते हैं और ये एक कॉम्प्लेक्स गेम बन जाती है जब ज़्यादा इंटरेक्शन दूसरे लोगों से होता है। तो दिस वॉज थियरी ऑफ जॉर्ज हर्बर्ट मीड ऑफ सेल्फ। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट बिलो द वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल।